मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। इसी के चलते आज यूथ कांग्रेस द्वारा तहसील कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और बीजेपी को कोसते हुए किसानों के मुआवजे की मांग की, तो वहीं सहकारिता विभाग पर बीजेपी के नेताओं के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों की मांगों को लेकर तहसीलदार पीसी पांडे से बात की और कहा कि सरकार तुरंत किसानों को 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजे के साथ फ्री खाद एवं फ्री बिजली दे। जिस तरह बीजेपी आज किसानों को बीमा कराकर उलझा रही है, यह गलत है, जबकि किसानों को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। वहीं बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार थी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नसरुल्लागंज तहसील का घेराव कर दाल बाटी सेकने का काम कर रहे थे, लेकिन जब 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे और आज जब सत्ता में बीजेपी की सरकार है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब हैं और उनके बीजेपी नेता किसानों की फसलों पर भी राजनीति करते हुए खेतों में सेल्फी लेने का काम कर रहे हैं, जो निंदनीय है। कांग्रेस नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र में घेरने की चेतावनी दी है। शासन प्रशासन से जवाबदारी तय की जाए। जवाबदारी ऐसी कि आज आप किसान का बीमा कर रहे हो, तारीख मरी हुई फसल का बीमा कैसे हो सकता? हमारा सरकार से सवाल ऐसी कि मरी हुई फसल से फसल का कैसे बीमा हो सकता है? सरकार का कहना हम बीमा, हमने बोला कि आप बताइए फसल में कितना नुकसान हुआ सर। प्रशासन का कहना है कि 100% नुकसान है। और हमारा प्रशासन और शासन से और मुख्यमंत्री जी से एक ही है कि किसान को खाद और बिजली दोनों मुफ्त दी जाए और तत्काल 40,000 रुपये का हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। प्रशासन ने ये बोला 100% आपका नुकसान हुआ है फसल का और हमने मुआवजे के लिए बोला है, तो उसका तो कोई जवाब नहीं दिया, घुमा फिरा कर जवाब दिया, ये बात वो बात। पूरा प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। के बाद हम आंदोलन करेंगे। कांग्रेस सारे कांग्रेस के नेता आकर बुधनी विधानसभा में शिवराज जी को घेर रहे हैं। कांग्रेस का और आंदोलन का इतिहास रहा है, कभी नहीं सीखेंगे हम किसी भी प्रकार से राजनीतिक रोटियां मुद्दों के साथ नहीं सीखते। किसान के कंधे के साथ कंधा लड़ाकर हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे और उस दौर तक लड़ेंगे जब तक किसान को पूर्णतः समर्थन नहीं मिल जाता। मुख्यमंत्री की तरह नौटंकी आवाज नहीं है, हम केवल किसान सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। हम नौटंकी नहीं करेंगे, हम हक की लड़ाई किसानों की लड़ेंगे और दिखावा नहीं, हम सच्चाई की लड़ाई। और फिर से सरकार में आएंगे और किसानों का कर्जा पूरी तरीके से माफ। काल पर प्रतिबंध है और दूसरे लोग तथाकथित दल बदल कराने वाले नेता आज पूरे प्रदेश में बड़े बड़े पंडाल लगा रहे हैं, उन्हें उस समय कोरोना का डर नहीं है। दूसरी बात, हमें हमारे कांग्रेस के साथियों के साथ जोड़ना चाहता हूँ, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह विधानसभा क्षेत्र है, उनका कर्तव्य दायित्व बन जाता है। एक तथाकथित तो यशस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं किसान पुत्र की तगमा दिया जाता है शिवराज सिंह चौहान को, लगातार वे उनकी पत्नी उनके बेटे मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आते रहे। आज पीड़ा की संकट की परेशानी की किसानों की इस घड़ी में आज वो चैन से मुख्यमंत्री निवास में तीनों पिता पुत्र और बेटे सोए हुए हैं। किसान हलाहल है, परेशान है। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष ग्रुप में हरियाली के साथ किसानों की फोटो किसानों के साथ सेल्फी ले रहा है, इसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। आज सबसे समुचित अगर कोई सबसे बड़ी कोई आवश्यकता बन जाती है तो वो आवश्यकता बन जाती है कि किसान को रवि के सीजन में, अभी तो सोयाबीन काटने की तकलीफें हो जाएगी, रवि के सीजन में किसानों को समुचित बीज उपलब्ध कराया जाए, किसानों की कर्ज माफी रोकी जाए, किसानों की बैंक और बिजली की वसूली रोकी जाए, इसके पश्चात खाद की उपलब्धता कराई जाए, क्योंकि सहकारिता के बहुत बड़े यहाँ पर जालसाज और सहकारिता के बहुत बड़े यहाँ पर तानाशाह डाकू लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका सहकारिता पर कब्जा है। वो बड़े व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ यूरिया के ट्रक उतरवा देते हैं और किसान एक बोरी के लिए लाइन में लगा रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये तथाकथित नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आएगा, लड़ाई लड़ेगा। अब ये लड़ाई आम आदमी की और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई हो गई है, हम इसके लिए आखिरी दौर तक लड़ते रहे। नसरुल्लागंज से वसीम खान की रिपोर्ट।